मैम के पीछे केक लेके घूम रहा है क्योंकि आज लास्ट क्लास है हमारा। कसम से मतलब खुद को गाली देने का मन कर रहा है। तो आज हमारा छठ पूजा और हम लगा रहे क्लास, बहुत बुरा लग रहा है भाई बताओ। आप भी बोलोगे कैसा लड़का है, हमेशा लेट ही होता है। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बहुत ज़्यादा लेट है, मतलब 8:05 हो गए यहीं पे, अभी जाने में कम से कम 10 मिनट, 8:15 पहुँचेंगे, देखते हैं अटेंडेंस आज मिलता है कि नहीं। इस मत में शायद सबसे ज़्यादा लेट आज ही हुआ है और ये मम्मी अच्छी है दे देती है इसीलिए ज़्यादा लेट हो गया। तोड़ना पड़ेगा तभी अटेंडेंस मिलेगा। और एक तो आज इतना ज़्यादा फोक था ना रास्ते में, पूछो मत, गजब का ठंड है आज। अच्छा हुआ आज मोटा जैकेट पहन कर आया, उतना ठंड नहीं लगा। अगर मैं पतला जैकेट पहन के आता तो गजब ही ठंड लगता भाई। क्या यार दिन ही खराब है आज, दौड़ते भागते आए फिर पता चल रहा। अच्छा हुआ कटियार को फ़ोन कर लिए कि भाई अटेंडेंस रुकवा के रखना, तब तक वो बोल रहा है अभी चुप आओ तुम आए क्यों, आज तुम लोग का तो क्लास ही नहीं है ना क्योंकि हमारा एग्ज़ाम है। हम लोग एक ही क्लास में है ना, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक ही क्लास में, तो आज ग्रुप 2 वालों का एग्ज़ाम है। जो हमारा DSA का उस दिन था ना उनका आज है, तो उस दिन उनका छुट्टी था, आधे ही बच्चों का होता है ना एक बार में एग्ज़ाम, और आज हमारा छुट्टी उनका एग्ज़ाम है, फिर भी हम दौड़े दौड़े भाग गए। अच्छा वो उसको हम फ़ोन कर लिया ना तो आधे रास्ते से ही मना कर दिया तो हम आ गए। ये पार्क वैसे पहली बार हमारा, बहुत खूबसूरत है, सुबह सुबह देखो क्या ही खूबसूरत लग रहा है। तो हम सोच रहे करें क्या यार, ये तो पूरा जूता भींग गया, नीचे पानी ही पानी। और सब हमको बताए भी थे कि आज छुट्टी है मत आना, फिर भी देखो दिमाग से निकल गया इतना, मतलब सोचो अटेंडेंस का लेकर इतना मारा मारी है ना, सोचो सुबह उठा नींद फूला दौड़ते भागते पहुँचे क्लास। तो उनका एग्ज़ाम जो है ना 2 घंटा का होगा, तो हम क्या करें, तो हम सोच रहे रूम ही चल चलते हैं भाई, पार्किंग में बाइक लेते हैं और रूम चलते हैं। कसम से मतलब खुद को गाली देने का मन कर रहा है, क्या नसीब। एक तो सोने के लिए आज मिला था, 8 बजे आज क्लास था, सोचे थे सो के एकदम 10 बजे आएंगे, आज के दिन भी बताओ नींद खराब कर लिए बेकार में। कोई ना चलो 2 घंटा के बाद आना है, तो चल चलते हैं रूम पे। ये रही अपनी बुलेट। आपको भी हमें गाली देने का मन कर रहा होगा मेरे ख्याल से, जब मुझे खुद को कर रहा है तो देना मत। अंजलि को फ़ोन किया, क्या कर रही हो, बोली सो रहे, बताओ तू फिर आ गया। वो भी बोल रही कैसा लड़का है। अब हमें एक दो को मैनेजर रखना होगा, जो हमें टाइम टेबल वैसे तो रखा ही है, लेकिन अब पर्सनल एकदम जो मेरे को ही देखे वैसा रखना होगा, तब जाके कुछ होगा हमारा। ए बाबा है जिंदगी बाबा, मेरा कुछ नहीं होगा समझे, मर जाएंगे इसी में, बताओ क्लास नहीं था फिर भी चलेगा। सुबह 8 बजे वाला आदत न लग गया, आदत न लग गया, कितना डर हो गया ना अटेंडेंस को लेके कि कैसे भागते भागते हम पहुंचे। कोई ना तुम सुत जाओ बाबा, सुत जाओ। तो फिर से पहुंच गए कॉलेज, बाइक को लगाते हैं, 2 घंटे बाद आ रहा ना, फिर भी बताओ लेट आ रहे। क्या होगा जिंदगी में, एक वीडियो एडिट करने लगे थे इसीलिए ज़्यादा टाइम हो गया। कोई बात नहीं चलते हैं क्लास, ज़्यादा लेट नहीं हुआ, 2-3 मिनट लेट ही पहुँचेंगे, ज़्यादा नहीं। ऐसे क्लास हो तब ना एकदम रोज मस्त 10 बजे आएंगे, मूड फ्रेश हो जाएगा, वो बात अलग है फिर भी लेट ही आएंगे लेकिन मूड फ्रेश हो जाएगा। बैग भी नहीं लाया क्योंकि हमारा इंपॉर्टेंट क्लास सारा निकल गया, लैपटॉप का काम नहीं है। मैम के पीछे केक लेके घूम रहा है क्योंकि आज लास्ट क्लास है हमारा, और मैम काट ही नहीं रही है। कहाँ काटना, कहाँ लड़के भाई में नंबर लेने के लिए यहाँ पे भीड़ लग रही है, आपको पता है। अबे भाईवा में किसी को नंबर नहीं मिलेगा, जो भी पैसा खर्चा किए हो ना सब बेकार है। इसको भी नहीं, फिर से ब्रेक हो गया, लेकिन आज ब्रेक में गुलू गुलू नहीं खाएंगे, रोज गुलू गुलू खाएंगे, आज पुआ खाएंगे, वहाँ मिलता ही नहीं है ना 12 बजे, खत्म हो जाता है हमारा ब्रेक, 12 के बाद ही होता है, 12-1 बजे क्लास खत्म हो गया। स्मार्ट तो लग रहे हैं हम, देख रही है अंजलि ऊपर ऊपर से नीचे तक के, लग रहा है हीरो आ गया, नॉर्मल लड़का है ही नहीं। एक ये अच्छा लग रहा है, एक ये अच्छा लग, 2 वेनिला
बहुत महंगा महंगा चीज है हमारे लिए, यही सब पीछे आपको हरियाली दिख रहा होगा उसी को देखने के लिए लोग आया था। अरे साला झूठ बोलेगा, हम पढ़ने आते हैं कॉलेज में, ये लोग माहौल देखने आता है। माहौल वैसे ठीक है आज, सारे क्लासेस लगा लिया सबको बाय वगैरह बोल के पहुंच गए अपने पार्किंग में, बाइक को स्टार्ट करते हैं चलते रहो। एक बात और बताएं, आज बताओ आज है हमारा छठ पूजा और हम लगा रहे क्लास, बहुत बुरा लग रहा है भाई बताओ। ये हम दूसरा साल भी घर नहीं जा पाए बताओ छठ पूजा में, हमने टिकट करवा लिया था कि पिछला बार हम नहीं जा पाए कोई बात नहीं, इस बार हम कैसे भी जाना है। सोचे थे सीए वगैरह कुछ भी होगा हम छोड़ देंगे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद देख रहा है कि सीए नहीं हमारा इंटर्म है, तो हम घर इसीलिए दुर्गा पूजा में ही चले गए। अपने हमारा जो अटेंडेंस था ना उसे तो बेकार करना था 100% था, हम छठ पूजा के लिए बचा के 100 करके रखे थे। हम चले गए दुर्गा पूजा में, मस्त घूम के आ गए, लेकिन अब बुरा लग रहा है क्योंकि छठ पूजा में हमारा इंटर्म है नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन बताओ, कॉलेजों को छुट्टी दे देना चाहिए था। ये शायद दूसरा बार हो रहा है कि हम छठ पूजा में नहीं जा पाए, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है इस बात के। हमें आज के दिन बताओ छठ पूजा हो रहा है और हम यहाँ पर बताओ क्लासेस लगा रहे हैं, अदर और कहीं भी रहता ना तो छुट्टी मिलता ही मिलता, भले यहाँ नहीं मिलता। फेस्टिवल में बताओ कौन एग्ज़ाम रखता, दीपावली हो गया, छठ पूजा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया। और एक तो और इतना बुरा लग रहा है ना, रील वगैरह व्हाट्सएप कुछ भी खोलो तो आपको हर जगह छठ पूजा ही दिख रहा है, तो देख देख कर और बुरा लग रहा है बताओ। कोई नहीं, बस वीडियो का ही खत्म करते हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया दोस्तों धन्यवाद, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आराम से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।